बैलानी रेलवे स्टेशन पे देख सकते हो, यहाँ पे लोकोमोटिव सर है, उनको लड्डू खिला के। जय हिंद साथियों, मैं हूँ शहनवाज और आप देख रहे हैं दी शहनवाज यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मैलानी जंक्शन पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी ऐतिहासिक दिन है आज मैलानी सीतापुर रेल प्रखंड पर रहने वाले यात्रियों के लिए, क्योंकि आज 4 फरवरी और आज से ही मैलानी से सीतापुर के बीच में एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। तो उसी की जर्नी कवर करने के लिए आज हम आए हुए हैं और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और सब्सक्राइबर यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन सभी का भी आप सभी को व्यू दिखाएंगे। तो चलते हैं अंदर और अंदर से दिखाते हैं आप सभी को पहली झलक जो हमारी ट्रेन खड़ी हुई है मैलानी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सीतापुर के लिए जाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और आप सभी को दिखाते हैं अंदर से व्यू आज के इस वीडियो में। और मैलानी रेलवे स्टेशन पर देख सकते हो, यहाँ पर लोकोमोटिव सर हैं, उनको लड्डू खिला के उनका जो है स्वागत किया जा रहा है। यही अभी अपनी ट्रेन को लेके चलेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हैं सारे रेल फैन आए हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं और सर का स्वागत कर रहे हैं। आज ये ट्रेन सर लेके चलेंगे सीतापुर तक। चलिए सर, थैंक यू। और ये देखिए इधर भी खिलाया जा रहा है यहाँ पे लोगों। दोस्तों इस वक्त हम मैलानी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आप सभी को मैलानी सीतापुर 0491 ट्रेन दिखाई दे रही होगी। ये ट्रेन आज से शुरू करी जा रही है। आप सभी को ये ट्रेन मैलानी से दिन में 2:30 पर सीतापुर के लिए मिला करेगी। ये ट्रेन शाम को सीतापुर 5:25 पर पहुंच जाएगी। वापसी में ये ट्रेन सीतापुर से 0492 के नंबर से बनकर शाम को 6:30 पर मैलानी के लिए रवाना होगी, जो कि देर रात 9:30 पर मैलानी आकर पहुँच जाएगी। सामने आप सभी को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मैलानी सीतापुर स्पेशल ट्रेन दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये ट्रेन मैलानी से 2:30 पर रवाना होगी सीतापुर के लिए। आज इस ट्रेन का पहला रन है, तो यहाँ पर जो कॉशन है वो आ गया है लोको पायलट को देने के लिए, और सामने खड़े हुए हैं विशाडोम कोच। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो साइन बोर्ड है वो दिखाई दे रहा होगा, पुराना वाला लगा हुआ है लखनऊ मैलानी पैसेंजर ट्रेन का, जो कि ये ट्रेन मैलानी से सीतापुर के बीच में चलाई जाएगी। तो फिलहाल अभी साइन बोर्ड नहीं बदला गया है। दोस्तों सामने सिग्नल हो गया है हमारी ट्रेन का और ट्रेन एकदम रेडी है छोड़ने के लिए मैलानी से सीतापुर के लिए। तो दिखाते हैं आप सभी को थोड़ा सा डिपार्चर व्यू, उसके बाद शुरू करते हैं अपनी जर्नी को मैलानी से सीतापुर के बीच में। तो दोस्तों ठीक 2:30 पर हमारी ट्रेन मैलानी से निकल रही है अपने निर्धारित समय से। तो शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी को मैलानी से सीतापुर के लिए। डिपार्चर व्यू 0491। Yeah.
तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बाकेगंज रेलवे स्टेशन पर। तो देख सकते हैं बाकेगंज का नज़ारा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन पर। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है। तो ट्रेन पहुंच चुका सिग्नल, चलते हैं ट्रेन में। हमारी ट्रेन 054-91 प्रधान पहुंच चुकी है और यहां पर काम किया जा रहा है फुट ओवर ब्रिज का, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर, जो कि यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का ठहराव है। तो देख सकते काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहां पर यात्रियों की। तो आज पहला दिन है इस ट्रेन का, तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यात्री इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हरगांव रेलवे स्टेशन पर, जो कि यहां भाई इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन करीब 10 मिनट पहले आकर पहुंच चुकी है हरगांव स्टेशन पर। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है हरगांव स्टेशन।
दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सीतापुर जंक्शन पर, जो कि इसका आखिरी स्टॉप है, और यहीं से ट्रेन ये वापस जाएगी सीतापुर से मिलाने के लिए शाम को 6:31 पर 0-54-92 के नंबर से। तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार व्यू सीतापुर जंक्शन का हम आप सभी को दिखा रहे हैं। तो काफ़ी सारे भीड़ है यहाँ पर, आपको दिखाई दे रही होगी। पहले दिन के हिसाब से काफ़ी सारे यात्री यहाँ पर आज आए हैं इस ट्रेन में, मिलाने से सीतापुर के बीच में यात्रा की इन्होंने। तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर ये देखने को मिली, हमारी ट्रेन करीब 5 बजे के आसपास सीतापुर पहुँच रही थी, लेकिन ट्रेन को खड़ा कर दिया गया आउटर पर कॉलिंग ऑन के लिए, क्योंकि 5 बजे का समय रखा गया है 0-54-89 का, क्योंकि वो ट्रेन सीतापुर से लखनऊ के बीच में चलती है। तो उस ट्रेन को निकाल दिया गया, उसके बाद इस ट्रेन को प्लेटफार्म नंबर 3 पर लिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना हुआ है, और कुछ यात्रियों को डायरेक्ट टिकट भी दिया गया है लखनऊ के लिए, लेकिन ट्रेन की सुविधा लखनऊ के लिए नहीं दी गई है। दोस्तों सामने आप सभी को कुछ पैसेंजर दिखाई दे रहे हैं, जो कि इन्होंने लखीमपुर से अपने सफ़र को शुरू किया था लखनऊ के लिए, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता है कि ये ट्रेन सिर्फ सीतापुर तक आएगी, और इन सभी को टिकट भी दे दिया गया है लखीमपुर से डायरेक्ट लखनऊ का। तो इन लोगों से पूछते हैं, तो आप लोग जब टिकट लेने लखीमपुर स्टेशन पर गए थे तो उन्होंने बताया नहीं था आपको गाड़ी कहाँ तक आई थी? नहीं बताता है कि गाड़ी सीतापुर जाएगी या नहीं जाएगी, टिकट जाएगी लखनऊ का डायरेक्ट टिकट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, मतलब वहाँ बताया भी नहीं गया यात्रियों को कि टिकट आप सभी को लखनऊ का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ सीतापुर तक जाएगी। अब बताइए इन यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना झेलना पड़ेगा, क्योंकि 7:30 बजे जब आएगी गोमती नगर एक्सप्रेस, उसी ट्रेन से ये लोग सीतापुर से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे लखनऊ के लिए। तो दोस्तों आप सभी को कैसी लगी हमारी पहली यात्रा जो ट्रेन चलाई गई है मिलाने से सीतापुर के बीच में? अगर आप सभी को फर्स्ट जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल दी शहनवाज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।